हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोटरफाइल ब्लॉग्स। मैं हूं अमित। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लीनिंग अपनी बाइक की। तो देख सकते हो अभी जो कंडीशन है वो किस तरह से है। ये जो रिम्स का एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैं क्लोजअप दिखा देता हूं आपको। तो ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा है एंड ये ब्रेक के अराउंड भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है एंड इंजन के आसपास जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। सो बेसिकली डस्ट वगैरह ज़्यादा एक्युमुलेट हो चुकी है एंड क्योंकि बारिश वगैरह में गई थी गाड़ी बाहर, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मिट्टी है पूरी तरह से चिपक गई है। ये देख सकते हो ये गंदगी पूरी यहाँ पे नीचे इंजन की तरफ पूरा गंदा हो रखा है। तो ये है कंडीशन। तो आज मैं इसके लिए यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे मोटोसोल का ये मोटरसाइकिल क्लीनर। तो बेसिकली दिस इज़ अ स्प्रे शैम्पू, काफ़ी यूनिक सा ये शैम्पू है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो टफ स्टेन्स होते हैं और जो गंदगी होती है, ग्रिम्स रहते हैं, जो भी मतलब रेसिड्यू रहता है, ग्रीसी या ऑयली या किसी भी तरह का डर्ट वगैरह रहता है, उसको क्लीन करने में काफ़ी यूज़फुल है। तो सिंपली इसको स्प्रे करना है एंड इसके बाद वॉश ऑफ करना है वाटर से। तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है एंड इसके बाद इसके बारे में सारी डिटेल दूंगा। तो मेक श्योर आप वीडियो कंट तक जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एन मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस यहाँ पे एक बार आप क्लोजअप देख लो किस तरह से ये कंडीशन हो रखा है यहाँ पे। तो व्हील्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं यहाँ पे एंड ये जो डिस्क के पास वाला एरिया है ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे इंजन के नीचे वाला एरिया देख सकते हो। तो बस इसको अब क्लीन करेंगे हम यूजिंग दिस शैम्पू मोटोसोल मोटरसाइकिल क्लीनर। इसकी जो प्राइस है वो है 929, बट आपको अमेजोन पे ये 480 अराउंड समथिंग का मिल जाता है। और इसके बेनिफिट्स यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वर्सेटाइल क्लीनर फॉर दी होल बाइक, ईजी टू यूज, स्प्रे ऑफ एंड रिंस ऑफ, क्लीन्स इन मिनट, डज नॉट स्ट्राइप अवे वैक्स। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। सिंपली मतलब आप इसको वर्सेटाइल है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बाइक के हर एक पार्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ क्योंकि मेरा ये बाइक मैट पेंट वाला है तो इसके ऊपर मैं नहीं करूँगा अप्लाई। इसके लिए मैं इसको नीचे एरिया जहाँ जहाँ गंदे हैं वहाँ पे स्प्रे करूँगा और इसको फिर देखते हैं किस तरह से ये काम करता है, कैसी फिनिश लाता है। एंड यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको इसको स्प्रे करना है जो भी सॉइल्ड एरिया रहते हैं और 5 मिनट तक आपको वेट करना है और मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम है, मतलब 5 to 30 मिनट्स तक का वेट करना पड़ सकता है आपको। और जो स्टबन डर्ट वगैरह रहती है सब कुछ यहाँ पे ये उसको ईजिली निकालते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे स्पॉन्ज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो और इसके बाद सिंपली वाटर, क्लीन वाटर से यहाँ पे आपको रिंस ऑफ कर देना है सब कुछ। ऑलराइट गाइस, सो अब इसको बस सिंपली मैं स्प्रे कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत है। तो मैं इसको इस तरह से क्लीन करने के लिए स्प्रे कर दे रहा हूँ और ये देख सकते हो इसके ना एक फोमिंग इफेक्ट भी आ रहा है जो कि काफ़ी सही है, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे एंड जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो गाइज देख सकते हो मैंने इसको पूरी बाइक पे कवर कर दिया, जहाँ जहाँ ब्लैक एरिया है सबको मैंने यहाँ पे इस मोटरसाइकिल शैम्पू से कवर कर दिया है। अब कुछ 5-10 मिनट वेट करेंगे एंड इसके बाद इसको वॉश करेंगे पानी से सीधा। बट यहाँ पे एक चीज़ मेरे को नोटिस करने को मिल रही है कि जो इसका स्मेल है काफ़ी पंजेंट है। तो मेक श्योर आप इसको ओपन स्पेस में खींचे, जैसे अभी मैं ओपन एरिया में कर रहा हूँ, ये मेरा फ्रंट पोर्च है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कहीं क्लोज गैरेज में करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज जो इसकी स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो ये पूरी तरह से हो चुका है, अब कुछ 5-10 मिनट वेट करेंगे एंड इसके बाद इसको प्रेशर वॉशर से क्लीन करेंगे। यहाँ पे मशीन रेडी है तो देख सकते हो इससे मैं क्लीन करने वाला हूँ। तो वैसे यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, जैसे ही ये मैंने अप्लाई किया इसके बाद ये जितनी भी गंदगी है उसको पूरा लूज़ करके गिर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जितना भी गंदगी है वो अपने आप लूज़ हो जाती है और आपको कुछ भी रबिंग वबिंग नहीं करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो जो भी यहाँ पे दिख रहा था गंदगी गायब हो चुकी है। सो गाइस हो गए हैं लगभग 10 मिनट, अब इसको मैं वॉश करता हूँ सीधा। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ब्लैक एरिया थी वो क्लीन दिख रहा है ऑलरेडी,
बट अब इसको क्लीन करेंगे और इसको पूरा वाइप ऑफ करेंगे जितना भी शैम्पू यहाँ पे लगा हुआ है। नाउ इट्स रेडी, अब जल्दी से इसको करते हैं इसके ऊपर स्प्रे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो क्लीनिंग प्रॉपर्ली कर दी है मैंने अब इसको, और अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्लैक पार्ट काफ़ी अच्छे क्लीन हो गए हैं, कहीं पे भी कुछ भी गंदगी अब नहीं बची है। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं ड्राई एंड इसके बाद मैं आपको बाकी डिटेल देता हूँ। और एट गाइस, तो अभी आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली ड्राई हो चुका है एंड इसको अभी तक मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन नहीं किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कहीं कहीं वाटर मार्क्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत, बट दैट इज़ प्रीटी मच नॉर्मल बिकॉज कहीं कहीं ऐसा होता है कि शैम्पू पूरी तरह से वॉश ऑफ नहीं हो पाता, इसकी वजह से वहाँ पे इस तरह के वाटर मार्क्स पड़ जाते हैं। बट इसको नॉर्मली आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से आपको क्लीनिंग मिलती है। एंड अभी आप देख सकते हो डिफरेंस पहले और अभी में, आप देख सकते हो कितना अंतर आ चुका है। एंड यहाँ पे मैंने कोई भी रबिंग नहीं की है, कुछ भी ऐसा नहीं किया, सिंपली स्प्रे किया है एंड वाइप ऑफ किया है उस चीज़ को। तो ये आप रिजल्ट आपके सामने हैं। तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से काम करता है एंड मैं इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। बट द थिंग इज़, देख सकते हो कितना ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, तो आई डोंट थिंक लाइक दिस कैन लास्ट फॉर लाइक 4 to 5 यूजेज। उसके लिए मैं कहूँगा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट येस जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो बहुत अच्छी है। तो आप इसको वीकली तो नहीं बट मंथली यूज़ कर सकते हो, तो मंथ में लाइक 1 time या 2 times आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी आपको क्लीनिंग मिल जाएगी। स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आपकी बाइक पूरी तरह से गंदी हो जाती है एंड वॉश करते टाइम अगर आपने रबिंग वबिंग की तो आपका जो पेंट है वो ख़राब हो जाता है। तो इसका जो डिटर्जेंट फॉर्मूला है वो पूरी तरह से उसको डिजॉल्व कर देता है एंड पूरी जो गंदगी रहती है उसको निकाल देता है। आपने देखा ही किस तरह से वो ड्रिप हो रहा था पूरा, एंड उसी तरह से ये पूरी क्लीनिंग कर देता है अच्छे से। जैसे ही आप पानी से क्लीन करोगे तो सब कुछ यहाँ पे क्लीन हो जाता है, आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका जो क्लीनिंग का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है, लाइक वहाँ पे डर्ट वगैरह स्टिक हो चुकी है, मर्ड वगैरह स्टिक हुई है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा स्पंज वगैरह लेके और अच्छे से रबिंग कर सकते हो नीचे एरिया जो नॉर्मली होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डर्ट स्टिक होती है, तो वो सिंपली आप स्पंज से करके और क्लीन कर सकते हो। सो मैं कहूँगा काफ़ी सही प्रोडक्ट है एंड आप इसको ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, स्पेशली फॉर द रेनी सीजन। तो देख सकते हो कैसा आपको परफॉर्मेंस देता है ये, एंड ये पूरा जो ब्लैक एरिया है सब कुछ क्लीन हो गया है, नीट एंड क्लीन, एंड यहाँ पे मिनिमम एफर्ट में आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाता है। बाय द वे, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड बेस्ट बाय लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सो डू चेक दैट आउट। अगर आप ये लेना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। सो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग ब्यूटीफुल ब्लॉग्स, स्टे सेफ, राइट सेफ एंड बाय।